कोर्ट में मामले चले गए थे, मदरसा मस्जिद ट्रस्ट चलाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाएगी। माजी की बातों को तमाम को हम भूल कर अब जो भी काम करने हैं वो आगे के लिए करने हैं, ताकि हमारी कम्युनिटी, हमारी आने वाली नस्लों को हम वो चीज़ दे के जाएँ कि वो इन फसादात और इन चीज़ों से दूर रह। अस्सलाम वालेकुम, दी मेमन टीवी के साथ मैं हूं अली गोडेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं काठियावर सोसाइटी में, जहां पे आज अल्हम्दुलिल्लाह अनपोज कमेटी जो इलेक्ट हुई है अशरफ मछियारा साहब की चेयरमैनशिप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि हमारी मेमन कम्युनिटी की जो खिदमत है, तो आज हाई कोर्ट के हमारे यहाँ पर मौजूद है सीनियर्स, और मैं उनसे बात करूँगा ख्वाजा साहब से भी जो उन्होंने अपनी खिदमत पेश की, और आज माशाल्लाह से अनपोज हमारी बॉडी भी इलेक्ट हुई है। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे हमारी स्पेशली काठियावर सोसाइटी के हवाले से? काठियावर सोसाइटी जो 1948 में क्याम पजीर हुई थी, उसके बाद मुख्तलिफ अवामिल से गुजरती हुई, आज कुछ उसमें इख्तलाफ थे कुछ मेंबर्स के, जिसकी वजह से कोर्ट में मामले चले गए थे कि मदरसा मस्जिद ट्रस्ट चलाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाएगी, इलेक्शंस नहीं होते थे, वो तमाम चीज़ों को कोर्ट ने आपस में जब लोगों ने रियलाइज़ किया कि इसके अंदर इस मामले पर इख्तलाफात को ख़त्म करके ना कम्युनिटी के फलाह व बहबूद के लिए आगे बढ़ा जाए, तो एक उसमें कंसेंसस डेवलप हुआ। कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, कोर्ट ने कहा जी के पहले आप इलेक्शन कराइए काठियावाड़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के। तो उस पर ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने जनाब मोहतरम चौधरी वसीम इकबाल साहब जो लर्नेड ऑफिसर साइनी सिंध हाई कोर्ट की, उनकी सुपरविजन में और उनकी मुआवरत के लिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने नॉमिनेट कर दिया जनाब हुसैन शाह साहब को असिस्टेंट रजिस्ट्रार को। उनकी मौजूदगी में आज ये इलेक्शन हुए हाई कोर्ट के हुक्म की तामील में। उसके अंदर तमाम लोग बैठे, उसके अंदर जब देखा अनपोज कुछ लोग आ गए, उसके अंदर तमाम लोग, उसके बाद सदर भी मुंतखब थे, उसके बाद उन लोगों ने बिल के यूनानिमस डिसीजन लिया और उन्हें फिर अपना चेयरमैन और सेक्रेटरी मुंतखब किया। उसके बाद ये मामला इंशाल्लाह इनकी सबने कंसेंस डेवलप किया कि उनकी फलाह व बहबूद सिर्फ और सिर्फ काठियावाड़ सोसाइटी और उसके मेम्बरान होंगे और उनकी आने वाली नस्लें, उसमें जितने भी अवामिल हैं उसको वो बैठ के मिलजुल के बेहतरीन के जो उसके लिए बेस्ट फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज, उसके लिए मिल बैठ के काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, उन्होंने बताया कि जैसे कम्युनिटी की बेहतरी के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमारे बड़े एक जगह पे मौजूद हैं और उनकी खिदमत हैं। सर से बात करेंगे, सर आप क्या पैगाम देंगे काठियावाड़ सोसाइटी के उन मेम्बरान को? काफ़ी अरसे से एक जो है मसला बना हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और आपकी खिदमत हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेसिकली सोसाइटी का पर्पस जो है वो एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट है और सब वॉलंटरली अंडरटेक करते हैं कि हम सर्व करेंगे अपनी उस ऑब्जेक्टिविटी को जो आपने बायलॉज में लिखे हुए। एक्सपेक्टेशन यही है, पर एप्स कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत हमने एक ट्रांसपेरेंट वे के अंदर इस प्रोसेस को रीचेक किया जो ऑलरेडी सोसाइटी कर चुकी थी और आज के इस पूरे इवेंट को होस्ट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दी असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिन्होंने हमें इसमें असिस्ट किया, इन्होंने भी पूरा रिव्यू किया प्रोसेस को और हमने अनअपोज जो भी आपके नॉमिनेशंस थी उनको हमने फाइनलाइज कर दिया। अब एक्सपेक्टेशन परहैप्स यही है, इट्स अ लॉन्ग रन और हमने अपने इस एक साल के प्रोसेस के अंदर मेरी तरफ से भी पैगाम यही होगा कि जो बेसिक पर्पज़ है लोगों को सर्व करना और चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करना। बात ये होती है कि नीयतें तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन सिर्फ नीयतों का इजहार नहीं बल्कि उसको ट्रांसपेरेंट वे के अंदर अंडरटेक करना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना, क्योंकि आप किसी को वजाहत नहीं करते बल्कि आप चीज़ें ट्रांसपेरेंटली रख देते हैं जो खुद बोलती हैं। तो आई एम नोबडी टू सजेस्ट, लेकिन एक पर्सनल व्यू है एंड ऑब्वियसली आप लोग अच्छे प्रैक्टिकल मुस्लिम्स हैं, यू आर गुड ह्यूमंस जिन्होंने वॉलंटरली इस टास्क को एक्सेप्ट किया है एंड होपफुली दिस वुड सर्व दी होल सोसाइटी इन फ्यूचर। थैंक यू। चलो बहुत अच्छी बात की, इन्होंने एक पैगाम भी दिया जिस तरह से मेमन कम्युनिटी का एक वतीरा है कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इन्होंने तमाम कम्युनिटी को सर्व किया। सर आदम जी दाऊद जिन्होंने ब्लैंक चेक पेश किया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, तो आज हमारे बड़े जितने यहाँ कम्युनिटी के बड़े बैठे हैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं, तमाम कम्युनिटी को सर्व करते हैं। रजिस्ट्रार साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा, क्या कहेंगे सर? माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई आज जितने भी हमारे बड़े यहाँ मौजूद है एक प्लेटफॉर्म पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी की बात है कि ये सब आज यहाँ बैठे हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट की कंप्लाइंस में आज हमने ये अनअपोज इलेक्शन यहाँ पे हुआ है।
और हमारी बस यही इनसे रिक्वेस्ट है कि अब आगे चल के इसको और बेहतर किया जाए सोसाइटी के मामलात को, और इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमारा जो तावन चाहिए होगा बीइंग गवर्नमेंट फंक्शनरीज, हम भी इनके साथ हैं इन चीज़ में। थैंक यू। थैंक यू सर। और चेयरमैन साहब हमारे अशरफ मशेरा साहब, जिनकी खदमात में देखता हूँ माशाल्लाह से, चाहे वो मस्जिद के हवाले से हो, फलाई हवाले से हो, तो स्पेशली बाटवा कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। अशरफ भाई, मुबारकबाद दूंगा आपको कि आज माशाल्लाह आपने तमाम कम्युनिटी को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया। क्या पैगाम देंगे आज हमारे काठियावाड़ सोसाइटी के मेम्बरान को? थैंक यू अली। माशाल्लाह हमारा बच्चा अली बहुत ज़्यादा और बहुत एग्रेसिव, बहुत अच्छा माशाल्लाह कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। मैं सिर्फ इसको बहुत ही मुख्तसर अंदाज में कहूँगा कि सबसे पहले मैं ना सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे चौधरी साहब का ऑफिशियल असाइनी जो है, और बड़ी खुश उसलूबी से तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए उन्होंने जो भी कमेटी आई थी, मेम्बरान थे वो अनोपोज रहे, उनको अलेक्ट किया और पूरा एक जो सिस्टम होता है उसके तहत। इसके बाद मैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं शम्स भाई माशाल्लाह, और ख्वाहिश शम्स का कहूँगा कि देखिए, ये वो वाहिद आदमी है कि जिसने 38 साल हो गए अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, और बिला माउजा पूरा वक्त दिया है और इसके लिए पूरी जद्दोजहद की है, और आज हमने न सिर्फ इनका शुक्रिया अदा करना था बल्कि हमने आज रिक्वेस्ट की कि शम्स भाई अब आप हमारे साथ ही रहिए सोसाइटी के साथ, क्योंकि सोसाइटी के बहुत से मामला थे जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी लीगल फ्रेमवर्क के लिए, तो इन्होंने किया। फिर हमारे माशाल्लाह रजिस्ट्रार के हसनैन साहब हैं, इन्होंने भी माशाल्लाह सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए। बस एक शॉर्ट में बात यह कहूँगा कि माजी की बातों को तमाम को हम भूल कर अब जो भी काम करने हैं वो हाल के आगे के लिए करने, ताकि हमारी कम्युनिटी, हमारी आने वाली नस्लों को हम वो चीज़ दे के जाएँ कि वो इन फसादात और इन चीज़ों से दूर रह कर कम्युनिटी के लिए बिला कोई मतलब तफर्रुक के, और ना कोई इसके एवज़ कोई खुदा ना खास्ता कोई ना मुआवजे की बात हो, ना कोई पर्सनल गेन की हो, और यही चीज़ है और यही हमें सुरखरू करेगी इंशाल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें आगे चलती रहेगी, बस आप सब भाइयों का शुक्रिया, तावन किया आप लोगों ने। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की अशरफ भाई ने कि माजी की तलखियों को बुला के इंशाल्लाह इन मुश्किल हालात में हमें एक होकर आगे बढ़ना है। तो हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद हैं, यूसुफ साहब, उनसे बात करूंगा। प्रेसिडेंट साहब बहुत मुबारक हो आपको कि माशाल्लाह पूरी आपकी बॉडी आपके साथ अलेक्ट हुई है, तो क्या पैगाम देंगे हमारे मेम्बरान को? बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत अच्छी तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शन हुए हैं और सब लोग अनअपोज आए हैं, और मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ ऑफिशियल असाइनी और सब रजिस्ट्रार का, और उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किए और हमने अनअपोज अशरफ मछियारा को और सलीम मूसानी को सेक्रेटरी इलेक्ट किया है, और माजी को भूल के, सारे इख्तलाफात भूल के आइंदा के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आखिर में जुनेद भाई, आप क्या मैसेज देंगे? इलेक्टेड के चेयरमैन भी हैं माशाल्लाह, जो आपकी खदमात हैं मैं देखता हूँ, मोहम्मद अली सोसाइटी के हवाले से हो, तमाम आपके जितने भी एरियाज, आपकी जो खदमात हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपस में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लोग सब, सारे लोग कारोबारी लोग हैं, हम एक बिरादरी हैं, एक साथ यहाँ पे रहे हैं, पले बड़े हैं, एक साथ एक ही मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जब अपने घर के लोग आपस में लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा कोई तीसरा उठाता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आए, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अब सोसाइटी भी बहुत तरक्की करेगी, और एक अच्छी मशावरत के साथ अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा काम होगा। और मुझे उम्मीद है और मैं अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा रखता हूँ कि इंशाल्लाह काठियावाड़ सोसाइटी एक मॉडल सोसाइटी बनेगी, और इंशाल्लाह मिलकर ऐसा काम करेंगे कि एक मिसाल बनेगी, और लोग अल्लाह ने चाहा तो काठियावाड़ सोसाइटी को देखकर अपनी सोसाइटियाँ भी इसी तरह बनाएंगी। तो इंशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपनी छोटे छोटी बातें, छोटी छोटी रंजिशें सब ने ख़त्म कर दी, और इंशाल्लाह आइंदा सब मिलकर जो जितनी पुरानी बातें हैं जैसे अशरफ भाई ने कहा, उस सबको भूल जाएं
اور اب آگے بڑھنا ہے، مل کے بڑھنا ہے، اچھے مشاورت سے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ کاٹھیاور سوسائٹی کو ماڈل سوسائٹی بنانا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کاٹھیاور سوسائٹی کا یہ انوپو سارے آئے، اور ہمارے چیئرمین صاحب اسف مچھیارا صاحب اور پوری پریسیڈنٹ، سارے لوگ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خدمات پہلے ہی ہیں کمیونٹی کے لیے، اور مزید اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے کہ دین کا اور اس سوسائٹی کا کام کرتے رہیں۔ اور خاص کر کے میں علی گوڈیل صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ میمن ٹی وی ایک ایسا چینل ہے کہ جو ہر وقت ہر جگہ اچھی اور سچی خبر پہنچانے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اللہ اس کی کاوش کو بھی قبول کرے۔ تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔